Left-arm fast bowler Khalil Ahmed, who made his debut in the one-day match against Hong Kong in the fourth match of the Asia Cup, did his best and started his career with 3 wickets. Rajasthan's Khalil Ahmed's life has been struggling since he began his career. According to Khalil's childhood coach Imtiaz Khan, Khalil is a fast-paced bowler and a very hard-working boy. Khalil's current position in the team is the result of his seriousness for the game on field. खलील बहुत एग्रेसिव है और उसका जो एग्रेशन है उस वो यही चीज़ उसको सबसे अलग करती है. जैसे ही वो मैदान में उतरता है तो वो एकदम आपको चेंज लगेगा और उसका भविष्य उज्जवल है. और मैंने 1.5 साल पहले भी उसको यही बोला था कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी तो टीम इंडिया में नज़र आओगे और वो बहुत लंबी रेस का घोड़ा है और आगे बहुत ज़्यादा इंडिया का नाम रोशन करेगा. उसकी मेहनत ही आज उसका ये रिज़ल्ट है क्योंकि वो बहुत से ज़्यादा मेहनती है. एकेडमी आके अपना एक्स्ट्रा अलग करता रहता था. कभी जैसे कि नेट सेशन नहीं है तो वो फिटनेस पे काम करता था. अभी इतना बड़ा खिलाड़ी बनने के बाद भी कभी एकेडमी जैसे ही वो टोंक आता था एकेडमी आता था और पूरा एक फील्डिंग सेशन करता था और फिटनेस सेशन करता था. और उसकी उपलब्धियां तो पूरे टोंक को पूरे राजस्थान को गर्व है. हमें तो गर्व हो गई. ऑफ द फील्ड तो वो बहुत ही शैतान टाइप लड़का है. बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं बदमाशी जो होते हैं चंचल शैतान टाइप लड़का है. और लेकिन ग्राउंड में उतरने के बाद आप एकदम उसके अंदर चेंज देखते हैं. ये सारी बातों को पीछे छोड़ के वो एक एग्रेसिव क्रिकेटर की तरह बिहेव करता है. चाहे से वो किसी भी लेवल की क्रिकेट है. जूनियर लेवल की क्रिकेट में भी हम लोगों ने यहाँ पर कई मैच खेले हैं तो इसमें भी वो सामने जो अपोनेंट बैट्समैन होते थे उनको अब दुश्मन की नज़र से देखता था कि भाई मुझे किसी भी तरह इनके विकेट लेना है. तो उसका ये जो एटीट्यूड था मुझे लग गया था कि ये कहीं ना कहीं उसके काम आएगा भविष्य में और आज वो इस मुकाम पर है. हाँ, टोंक का और धौलपुर का अंडर 16 का मैच चल रहा था सवाई मानसिंह स्टेडियम में. तो हम लोग फर्स्ट इनिंग में डिफीट खा गए थे धौलपुर से. तो सेकंड इनिंग में फिर जो उसने बॉलिंग करी 8 विकेट लिए एक ही इनिंग में. जब मुझे थोड़ा ऐसा लगा था कि ये नाम रोशन कर सकता है क्योंकि उसने अकेले ने पूरी धौलपुर टीम को समेट दिया था और 8 विकेट उसने बड़ी शानदार गेंदबाजी करी. जब मुझे थोड़ी सी उम्मीद लगी थी कि ये कुछ कर सकता है. खलील का सफ़र इंशाल्लाह बहुत दूर तक जाने वाला है और वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा और इंडिया का बड़ा नाम रोशन करेगा और बहुत लंबी इनिंग खेलेगा. और मुझे ऐसा लगता है कि वो इंडिया का अब तक का सबसे बेहतरीन मीडियम पेसर सबसे कामयाब मीडियम पेसर बनेगा.